भारी बारिश के बाद गंडक नदी एक बार फिर से उफान पर है। इसके साथ ही पहाड़ी नदी भी रौद्र रूप में नजर आ रही है। दो महीने पहले जो स्थिति बेतिया बगहा की हुई थी, वही हालात फिर से नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है, सड़कों पर नदी का पानी बह रहा है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारी बारिश से चंपारण के हालात बिगड़े, पानी में डूब गया लौरिया का अशोक स्तंभ, बेतिया और बगहा पर फिर से टूटा बाढ़ का कहर। भारी बारिश के बाद गंडक उफान पर है और पहाड़ी नदियों ने भी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। आलम यह है कि पूरे चंपारण पर एक बार फिर बाढ़ का कहर टूटा है। ये लौरिया का अशोक स्तंभ है, बाढ़ के पानी में घिरा है और इसी के पास नरकटियागंज मेन रोड पर बाढ़ का पानी है। करीब 4 फीट पानी रोड पर चढ़ा है। बाढ़ की वजह से आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इलाके के खेत पानी में डूब गए, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। यहाँ पे किसान मजदूर सब परेशान है। चुनाव आज तक कोई यहाँ पे अभी तक ना कोई प्रशासन आया, ना कोई उच्च अधिकारी कोई आया यहाँ पे। वहीं बेतिया के ही दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अनुमंडल के भसुरारी, बरगजवा, बैरिया, कटघरवा, गोकुला गांव में पानी आ गया है। पहाड़ी नदियां पंडई और हड़बोला उफान पर है। दोनों नदियां आसपास के गांवों में कहर बरपा रही है। और मैं कौन पानी दो गोइल बा भीज गोइल बा स्कूल में बानी सब और हमनी के कोई खाए का ना देला जल्दी तो अब कथी कही अब ना कही उनके सुबह तक कपड़ा ना मिलेला। बेतिया के गौनाहा में पहाड़ी कटहा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सीठी पंचायत के बखरी गांव में नदी कटाव कर रही है। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और नदियां तांडव मचा रही है। बचाव के लिए ग्रामीण नदी की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नदी को 3 पार्ट में ग्रामीण मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने के नदी सब गांव दहवा के लगल घर द्वार हमने के रहे के शरण नहीं के हमने जाती हैं स्कूल में बाल बच्चा लेके सामान वामान। हम हालात बगहा में भी खराब है। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी नदियां कहर बरपा रही हैं। रामनगर प्रखंड के शेरहवा, इनार, बरवा और बहुआरी समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हम शेरहवा दौराज से विलंब हुए, हमारे यहाँ रात से बहुत ज्यादा परेशानी है, पानी जो है ऊपर से हो रही है, मरीज जो है घर में पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले इन इलाकों की जो स्थिति थी फिर से वही हो गई। बाढ़ की दूसरी मार इन इलाकों पर पड़ी है। बगहा से इमरान के साथ धनंजय, जी मीडिया, बेतिया। फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण परमान नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर नावें चल रही हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार नितेश। बारिश हो रही है जिसके कारण पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दर्जनों पंचायत का सड़क मार्ग जो है फॉर मुख्यालय के लिए वो बिल्कुल भंग हो चुका है। मैं अभी फारबिसगंज खवासपुर सड़क मार्ग पर खड़ा हूँ जहाँ नाव ही एकमात्र साधन बच गया है। नाव के माध्यम से ही लोग यहाँ आवागमन करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं इस नाव के सहारे। नावों पर जो घर के जरूरी सामान है, जो कीमती सामान है, उनको लेकर लोग अपने घरों से निकल सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी भी तरीके से, क्योंकि चारों तरफ इलाका जलमग्न है। चारों तरफ की जो स्थिति है वो अभी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है पानी की। पूरा इलाका बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जल प्रलय आ चुकी है। देखिए क्या स्थिति है, बच्चे गोद में चिपके हुए हैं, महिलाओं के महिलाएं बैठी हुई हैं और नाव चूंकि यहाँ पर सरकारी नाव है और इसी नाव के सहारे लोग आवागमन के लिए मजबूर हैं। ये देख सकते हैं कि जो नजारा है बहुत ही भयावह स्थिति है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोग है, क्या स्थिति है आपके गाँव? हम लोगों को बहुत बुरा स्थिति है सर, घर से निकलने का कोई साधन नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं।
अभी तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला सर, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला, मिला सरकारी सुविधा हमको नहीं मिला है। मिला है जो नाव मिला था मेरे नाम से, मैं आदमी को पार कर रहा हूँ, मैं जितने आदमी पानी में जो है वो सबके निकाल करके ऊंचा स्थान पर ले जा पहुँचा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, जी मीडिया की टीम लगातार इस भारी बारिश में भी लगातार इलाकों में घुस कर कवरेज कर रही है और लोगों की समस्याओं से प्रशासन को आगाह करने का काम कर रही है। कुमार नितेश, जी मीडिया।